For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. Hello everyone, मेरा नाम तुषार, तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी भी क्लास का। आज हम एक सीधा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि मॉर्निंग में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और मॉर्निंग से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश करना रात को सोने से पहले, अगर हम अपने दांतों को काफ़ी समय तक रखना चाहते हैं अपने पास, उनको ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जैसे हम मॉर्निंग में या कभी भी जो ब्रश करते हैं, ब्रश को पहले वॉश किया जाता है जो सही तरीका है, उसके बाद आप उस पर पेस्ट लोड करते हैं, जो भी आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्या आप उसको डायरेक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं? या तो एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आपने पेस्ट लगाया और उसके बाद फिर से उसको वॉश किया, पेस्ट को भी थोड़ा गीला किया। अगर आप ऐसा तरीका यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंस है, या आपसे किसी ने बोला हुआ है, लॉजिक क्या है? या फिर आप सीधा ब्रश को वॉश करते हैं, पेस्ट लगाते हैं और उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं? दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, और अगर आप पेस्ट को लगाने के बाद भी उसको गीला करते हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है। देखिए, सही तरीका सुनते हैं। सही तरीका ये है, आप ब्रश को पहले वॉश कीजिए, उसके बाद पेस्ट लगाइए और थोड़ा सा गीला कीजिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो भी वीडियोस साइंस वर्ल्ड चैनल में आती हैं, उन सभी के पीछे साइंस का लॉजिक आपको दिया जाता है, तो यहाँ पर भी एक साइंस छुपी हुई है और वो है सरफेस टेंशन। देखिए क्या होता है कि पेस्ट को लगाने के बाद जब आप उसको फर्दर थोड़ा सा गीला करते हैं तो वहाँ पे मटेरियल जो पेस्ट है उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, और अगर किसी मटेरियल का सरफेस टेंशन घटता है तो वो चीज़ ज़्यादा फैलती है। याद रखिएगा, आप अगर मटेरियल का सरफेस टेंशन घट रहा है तो मटेरियल ज़्यादा एरिया कवर करता है और आपके दांतों की क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है। तो ये इस चीज़ के पीछे साइंस है। हम एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि डिस्कस करते हैं एक बार। आपने फेस पर क्रीम लगानी है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपने फेस क्लीन किया हुआ था, कुछ समय हो चुका है और वो ड्राई हो चुका है, ठीक है, आपने सीधा क्रीम को लिया और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, पहला तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रीम ज़्यादा लगेगी, है ना, कॉस्टली है, वो एक अलग बात है। तो लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, जो अच्छा तरीका माना जाता है, जो सही भी है, ऐसा नहीं है कि हमें क्रीम बचानी है इस वजह से बोला जा रहा है, यहाँ पर लॉजिक चल रहा है सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फुल्ली ड्राई नहीं होने देंगे, नमी होनी चाहिए। तो ऐसे में आप जब क्रीम लगाते हैं, ठीक है, आपने फेस को भी थोड़ा सा गीला किया, उसके बाद आपने क्रीम लगाई, तो काफ़ी एरिया कवर करती है। बात यहाँ पर वही आ गई है जो पेस्ट से रिलेटेड आपको बताया गया था, कि मटेरियल का किसी तरीके से अगर आप सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो वो एरिया ज़्यादा कवर करती है। लेकिन अगर किसी मटेरियल का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है तो वो एरिया बहुत कम कवर करेगा, आपको कंटेंट, आपका जो मटेरियल है उसको ज़्यादा यूज़ करना होगा, तब जाकर आप उसे टारगेट को, जिस भी टारगेट से आपने क्रीम का यूज़ किया था या जो पेस्ट का यूज़ किया था, उसको पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको रीज़न समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फेस पर क्रीम लगाने वाले केस में और पेस्ट वाले केस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।